हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान और स्वादिष्ट, कम समय कम मेहनत में बनने वाली आसान मिठाई की रेसिपी। इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से बना के तैयार करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और भी ऐसी नई और आसान रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे एक भगोना और उसमें हम डालेंगे चीनी। तो हम पहले इस मिठाई के लिए चाशनी बना के तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ एक छोटा कटोरी लिया है, उसे एक कटोरी मैंने यहाँ चीनी डाल दिया है और चीनी का आधा मैं यहाँ पानी ले रही हूँ। पानी डाल के हम इसका चाशनी बना के तैयार करेंगे। तो मैंने गैस को कर दिया है ऑन और चीनी में एक उबाल आने तक हम इसको पकाएँगे। तो मैं इसको बीच बीच में चला दे रही हूँ जिससे ये चीनी है वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ चाशनी में उबाल आ गया है, चीनी है वो हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें 3 से 4 कूटा हुआ इलायची डाल रही हूँ और इसको हम मिक्स कर देते हैं। और अब हम चेक करेंगे कि चाशनी हमारा परफेक्ट बन के तैयार हुआ है कि नहीं। तो मैंने थोड़ा सा चम्मच में ये चाशनी ले लिया है और इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो मैंने गैस की फ्लेम को धीमा कर दिया है और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल हल्का सा एक तार आ रहा है, पूरा तार नहीं बन रहा है, हल्का सा एक तार आ रहा है। तो बस इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे और गैस को मैंने बंद कर दिया है और चाशनी को हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो चाशनी हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम यहाँ लेंगे ब्रेड। मैंने यहाँ वाइट वाला ब्रेड लिया है और 5 से 6 मैंने यहाँ ब्रेड लिया है। तो अब हम इसको काट के तैयार करेंगे। तो ब्रेड को काटने के लिए मैं यहाँ गिलास का इस्तेमाल कर रही हूँ, या फिर आपके पास कोई भी कटोरी या कुकिंग कटर है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने गिलास से इसका बीच सेंटर से इस तरीके का ये गोल पीस है वो निकाल के तैयार कर लिया है। तो इसी प्रकार हम बाकी ब्रेड का पीस है वो निकाल के तैयार कर लेंगे। तो मैंने इसी प्रकार ये दूसरा ब्रेड का पीस है वो भी निकाल लिया है। इसी प्रकार मैं सभी पीस है वो तैयार करके ले लूँगी। मैं इसके पीस है वो गोल काटा है, आप अपनी मनचाही कोई भी शेप में इसे काट सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से ये पीस है वो काट के तैयार कर लिए है। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो उसके लिए हम यहाँ लेंगे एक दूसरा कटोरी और उसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा। तो मैं यहाँ 2 चम्मच नारियल का बुरादा ले रही हूँ और उसी के साथ मैं यहाँ ले रही हूँ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर में यहाँ 2 चम्मच ले रही हूँ। मिल्क पाउडर है वो आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। और उसी के साथ मैं यहाँ डाल रही हूँ पीसा हुआ चीनी। तो चीनी है वो मैं यहाँ 1.5 चम्मच ले रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो मैंने सिंपल उबला हुआ दूध लिया है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। तो मैंने यहाँ 2 से 3 चम्मच जितना दूध डाला है और इसको हम पहले मिक्स कर लेते हैं, ज़रूरत लगी तो हम बाद में दूध इसमें और डाल देंगे। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी ये हमारा मिश्रण है वो थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा दूध हम और डालेंगे। तो मैंने 1/2 चम्मच जितना दूध इसमें और डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ लेंगे हमारा ब्रेड और अब हम इसके ऊपर ये जो मलाई बना के तैयार किया है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। एक बार फ्रेंड्स ये मिठाई है वो बना के ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनता है। अब हम दूसरा पीस उठा के इसके ऊपर इस तरीके से सेट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये एक पीस है वो बन के तैयार हो गया है। इसी प्रकार हम बाकी बचे हुए पीस है वो भी सेम इसी प्रोसेस से तैयार कर लेंगे। इस मिठाई को बनाना फ्रेंड्स बहुत आसान है, आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही टेस्टी बनता है। और रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैंने इसी प्रकार सभी पीस है वो बना के तैयार कर लिए है। तो अब हम इसको रखेंगे साइड में और यहाँ हम लेंगे दूसरा कटोरी और उसमें हम चाशनी डालेंगे। चाशनी है वो हमारा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। चाशनी को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है और अब हम इसको इस कटोरी में निकाल लेंगे। और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा येलो फूड कलर।
और इसको हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो जिस टाइम चाशनी बनाया था उसी टाइम आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। मैंने उस टाइम कलर नहीं डाला था, इसलिए मैं इसमें अभी कलर है वो डाल रही हूँ। और ये देखिए चाशनी है वो ठंडा होने के बाद इस तरीके से ये गाढ़ा हो गया है। तो अब हम लेंगे जो हमारे ये ब्रेड के पीस तैयार करके रखे थे वो, और इसको इस तरीके से ये चाशनी में डिप करके ले लेंगे। इसको ज़्यादा देर चाशनी में नहीं रखना है और थोड़ा सा इसको चाशनी में डालना है, और फिर हम इसको इस तरीके से अंगुलियों के बीच में लेके इसका जो भी एक्स्ट्रा चाशनी है वो हम निकाल देंगे। ध्यान रखना है चाशनी है वो हमारा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और अब हम लेंगे नारियल का बुरादा और उसमें हम इस ब्रेड के पीस को इस तरीके से कोट कर देंगे, जिससे हमारा मिठाई है वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा और नारियल से इसका टेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से ये एक पीस है वो तैयार कर लिया है। इसी प्रकार हम बाकी बचे हुए सभी पीस है वो तैयार करके ले लेंगे। तो इस तरीके से ये मिठाई बनाने से इसमें ब्रेड का टेस्ट है वो बहुत कम आता है, पता नहीं चलता है कि ये मिठाई है वो ब्रेड से बनाई है। बहुत टेस्टी लगती है और जो इसमें हमने मलाई भरी है उससे इसका टेस्ट है वो और भी अच्छा आता है। और इसका जो साइड का ब्रेड के जो पीसेज थे उसका हम दूसरा मिठाई बना के तैयार कर लेंगे, तो वो मैं नेक्स्ट रेसिपी में डालूँगी, तो आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने इसका एक्स्ट्रा जो भी चाशनी है वो निकाल लिया है और इसको भी हम इसी तरीके से ये नारियल के बुरादे में कोट करके ले लेंगे। ये मिठाई है वो मुश्किल से बनाने में 10 मिनट लगता है। आप एक बार इस मिठाई को बना के ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनती है। और अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो ये मिठाई है वो बनाने में बहुत आसान है, तो आप इसको फट से बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसी प्रकार सभी पीस है वो बना के तैयार कर लिए है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ टूटी फ्रूटी से। आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स या फिर पिस्ता, जो भी मनचाही आपकी कोई भी गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ये टूटी फ्रूटी लगा दिया है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा हमारा ये मिठाई है वो बन के तैयार हुआ है। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी सॉफ्ट हमारी ये मिठाई है वो बनके तैयार हुई है। मैं आपको इसका पीस है वो उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत टेस्टी ये मिठाई है वो बनके तैयार हुई है। तो आप एक बार इस तरीके से ये मिठाई की रेसिपी है वो बना के ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएगी। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसी नई और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।